नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार एनडीए में घटक दल लोजपा और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है और अब जेडीयू की तरफ से दो टूक लहजे में एलजेपी को कह दिया गया है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो स्वतंत्र है। जी हां, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी की तरफ से यह बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोजपा 143 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो लड़ सकती है, वो उनके पार्टी का फैसला होगा। बिहार एनडीए में जेडीयू का अगर गठबंधन है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ गठबंधन कभी भी नहीं रहा है। तो जेडीयू की तरफ से दो टूक जवाब दे दिया गया है। केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू और लोजपा का कभी भी गठबंधन नहीं रहा, ऐसे में अगर लोजपा अलग चुनाव लड़ना चाहती है तो ये उनकी पार्टी का फैसला है। लगे हाथों केसी त्यागी ने लोजपा को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जेडीयू के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवार खड़े करें लेकिन जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन इसका विरोधी जो होगा वो पूरे बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व का विरोधी है। केसी त्यागी ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने पहले ही साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार पर यह सवाल उठाने वाले बीजेपी के इस शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल जेडीयू और लोजपा के बीच जारी शीत युद्ध के संकेत सोमवार को चिराग पासवान की अध्यक्षता में लोजपा के बिहार संसदीय दल की बैठक में मिले। बैठक में शामिल अधिकतर सदस्यों की राय थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन और बाढ़ से नीतीश कुमार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। बैठक में यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि लोजपा 143 सीट पर प्रत्याशियों की सूची तैयार कर जल्द से जल्द केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज देगी, साथ ही बिहार में गठबंधन के बारे में अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी बिहार संसदीय बोर्ड ने चिराग पासवान को सौंप दिया था। ऐसे में केसी त्यागी के इस बयान के बाद एक बार फिर से दोनों दलों में तलखी बढ़ती दिखने लगी है। मालूम हो कि बीते कई दिनों से एलजेपी और जेडीयू के बीच तकरार बढ़ती जा रही है और उसके पहले से ही कई बार लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के कार्यों पर सवाल उठा चुके हैं और जेडीयू की तरफ से भी लगातार इसका रिएक्शन दिया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है, दो टूक लहजे में जवाब दिया जा रहा है। और एक बार फिर से अब जेडीयू की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि एलजेपी अगर जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारना चाहती है तो बेशक उतारे, ये उनकी पार्टी का फैसला होगा। लेकिन साफ तौर पर यह चेतावनी जरूर दे दी गई है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का एक मजबूत गठबंधन है, जो भी प्रत्याशी चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ होगा चाहे वो एलजेपी का ही क्यों ना हो वो उसका घोर विरोधी होगा। ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। हालांकि अभी एलजेपी के रिएक्शन का वेट किया जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर एलजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।